हेलो व्यूअर्स, जिस तरह आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर का बुक स्टार्ट किया है, रिटन बाय रेन एंड मार्चन। सो इसमें हमने सेंटेंस और सेंटेंस के काइंड्स को कवर किया था। अब हम आते हैं पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर नीचे लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को समझते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। In other words, we must have a subject to speak about and we must say or predicate something about the subject. Hence, every sentence has two parts. Har sentence ke do hisse hote hain. Ek hota hai subject aur dusra hota hai predicate. To isko samajhte hain ki subject kya hota hai aur predicate kya hota hai. The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. जिसके बारे में हम जो लिखते हैं, जिसके बारे में हम लिखते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो जुमले में काम करता है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल ही गोज टू स्कूल। इस जुमले में गोज टू स्कूल ये जो है ना, ये प्रीडिकेट है और ही सब्जेक्ट है, क्योंकि ही ये सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है। इसी तरह हम बोलते हैं ही इज अ डॉक्टर। तो इसमें एज अ डॉक्टर ये प्रीडिकेट है और ही सब्जेक्ट है, क्योंकि एज अ डॉक्टर ये जो हिस्सा है ये डॉक्टर के बारे में है, ही उस शख्स के बारे में है, ही के बारे में है। तो इस वजह से ही सब्जेक्ट हुआ और एज अ डॉक्टर ये प्रीडिकेट हुआ। अब प्रीडिकेट की तरफ आते हैं। The part which tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence. वो हिस्सा जो subject के बारे में हमें कुछ मालूमात देता हो, उसको हम predicate कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको example दी, इस तरह एक और example लेते हैं। I read a book. तो इसमें I subject है और read a book अब ये predicate है। तो हर sentence के दो हिस्से होते हैं, subject और predicate। ये दोनों लाजिमी हैं। इसी तरह जब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो ये बात याद रखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लगाना जरूरी नहीं होता। तो वहां पर हम जो है ना, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जिस तरह हम किसी को ऑर्डर करते हैं, कम हियर, इधर आओ, तो यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि यू कम हियर, क्योंकि यहाँ पर यू की जरूरत नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। The subject of a sentence usually comes first, but occasionally it is put after the predicate. जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हम प्रीडिकेट लिखते हैं। और ये जो है ना, ये एक नॉर्मल ऑर्डर है, लेकिन इस ऑर्डर को हम चेंज भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात एम्फेसिस के लिए, किसी बात पर ताकीद लाने के लिए, जोर देने के लिए। इस तरह ये सेंटेंस है, हियर कम्स द बस। तो अब इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं, द बस कम्स हियर। स्वीट आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी। इस तरह जो बात मैंने अब कही, तो यहां पर भी ये शामिल है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को निकाला जाता है। एग्जांपल है सिट डाउन। तो अब ये अंडरस्टूड है कि हम किसको ये बात कह रहे हैं, सिट डाउन, बैठ जाइए। हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। यहां पर सब्जेक्ट यू ये अंडरस्टूड है। Thank him, उसका शुक्रिया अदा करो। Here too, the subject you is understood. तो यहाँ पर भी you understood है। हम इस तरह नहीं कहते you thank him, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। हम बस बोलते हैं thank him, उसका शुक्रिया अदा करो। तो ये subject के बारे में हमने बात की और predicate के बारे में। यहाँ पर कुछ examples दिए गए हैं exercise के तौर पर, कि आप उनमें मालूम करें कि इनमें जो है ना subject कौन सा है और predicate कौन सा है। The cackling of geese saved Rome. तो इसमें the cackling of geese अब ये subject है और saved Rome ये predicate है। The boy stood on the burning deck. तो इसमें the boy subject है और stood on the burning deck ये predicate है। इसी तरह stone walls do not make a prison. तो इसमें stone walls ये subject है और Do not make a prison ये predicate है। The singing of the birds delights us. तो इसमें the singing of the birds ये subject है
और delights us ये predicate हैं. Miss Kitty was rude at the table one day. तो इसमें Miss Kitty subject है और was rude at the table one day ये predicate है. He has a good memory. तो इसमें he subject है और has a good memory ये predicate है. Bad habits grow unconsciously. तो इसमें bad habits subject है, grow unconsciously ये predicate है. The earth revolves round the sun. तो इसमें the earth subject है, revolves round the sun ये predicate है. Nature is the best physician. तो इसमें nature subject है, is the best physician ये predicate है. Edison invented the phonograph. तो इसमें Edison subject है और invented the phonograph ये predicate है. The sea had many thousand sands. तो इसमें the sea subject है और has many thousand sands ये predicate है. We cannot pump the ocean dry. तो इसमें we subject है, cannot pump the ocean dry ये predicate है. Borrowed garments never fit well. तो इसमें borrowed garments subject है और never fit well ये predicate है. The early bird catches the worm. तो इसमें the early bird ये subject है, catches the worm predicate है. All matter is indestructible. तो इसमें all matter subject है, is indestructible predicate है. Islamabad is the capital of Pakistan. Islamabad subject है और is the capital of Pakistan predicate है. We should profit by experience. इसमें we subject है, should profit by experience predicate है. All roads lead to Rome. इसमें all roads ये क्या है, ये subject है, lead to Rome predicate है. इसी तरह the beautiful rainbow soon faded away. The beautiful rainbow ये subject है, soon faded away predicate है. No man can serve two masters. No man subject है, can serve two masters predicate है. A sick room should be well aired. तो इसमें a sick room ये subject है, should be well aired ये predicate है. The dew drops glitter in the sunshine. तो इसमें the dew drops ये subject है, glitter in the sunshine predicate है. I shot an arrow into the air. तो इसमें I subject है, shot an arrow into the air predicate है. The top of the hill lives a hermit. A hermit इसमें subject है और on the top of the hill lives ये predicate है. So this was all about subject and predicate. I hope you got it. So see you inshallah in the next.